I'm kind of always lost in my mind, in my thoughts. I don't live in present for most of the time. मैं कुछ ना कुछ तो भी सोचते रहते। अपने thoughts को observe करो। अब question आएगा कि thoughts को observe कैसे करें? क्योंकि thoughts में तो हम खो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि thought होता क्या है। Lot of people talk about thoughts, but उनको actually में पता ही नहीं होता कि thought है क्या। That becomes more like an abstract concept. वो क्या करते हैं, अपना ध्यान बार बार ब्रीदिंग पे लेकर के जाते हैं, फिर थोड़ी देर में ध्यान वहाँ से हट जाता है, फिर वापस से ब्रीदिंग पे लाते हैं। That's like forcefully वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लोग मेडिटेशन समझते हैं। जबकि आपको रियल मेडिटेशन बताता हूँ, उसमें क्या है, आप किसी ऐसी जगह पे जा करके बैठ गए, आंखें खुली हुई हैं, सब अपना सेंसेस सारे ऑपरेट कर रहे हैं, और अपने आप को बोला कि देखता हूँ कि मैं अभी इस वक्त अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ। डोंट से कि क्या सोच रहा हूं, क्योंकि सोचना इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट, कि आपके माइंड में क्या इमेजिनेशन चल रही हैं उसको आप नहीं पकड़ सकते। बट जो आप बोल रहे हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक उसी तरह से जैसे अभी आप कंट्रोल कर सकते हो जो आप मेरे को बोल रहे हो। ये एक आर्ट है, ये इसको आप स्किल भी कह सकते हो, एक आर्ट भी कह सकते हो। देखो अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, आपके पास में कंट्रोल है, आप चाहो तो बोलो चाहो तो ना बोलो। मेरे पास में कंट्रोल है, मैं चाहूं तो चुप हो जाऊं। देखो चुप हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास में कंट्रोल होता है अगर हमें पता होता है कि थॉट एक्चुअल में है क्या। विदाउट अ वर्ड देयर इज नो थॉट। लेकिन ये सब इतनी तेजी से होता है कि जब तक कि हम बारीकी से इसको ऑब्जर्व नहीं कर लेते तब तक ये बात समझ नहीं पाते। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सुनने में आपको बहुत छोटी सी लग रही होगी कि अच्छा इसका मतलब जो हम अपने अंदर अंदर बोलते हैं वो थॉट है। बट ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, किसी से सुनी नहीं है, ये खुद कई कई दिनों तक साइलेंस में रह करके आराम से अपनी ब्रेन को ऑब्जर्व किया है। तब मैंने देखा हर थॉट का, हर फीलिंग का, हर इमोशन की जो शुरुआत होती है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ वर्ड। जैसे कि एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है ना, मैं आपको आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाता हूं, आप बड़े आसानी से उसको रिलेट कर जाओगे। विदाउट अ कमांड क्या कोई प्रोग्राम रन हो सकता है? कोई ना कोई क्वेरी होती है जो रन होती है जब हम उसको कमांड देते हैं। कमांड किस बेस पे देते हैं? लैंग्वेज के बेस पे। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, हम कोई कमांड देते हैं, फिर वो कमांड एग्जीक्यूट होता है, फिर वो रन होता है, फिर आगे का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो कमांड है दिस इज बेस्ड अपॉन लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज देयर इज नो कमांड। तो ऐसे ही हमारी ब्रेन के अंदर विदाउट सेइंग अ वर्ड देयर इज नो थॉट, नो फीलिंग, नो इमोशन। This is how you can be in a thoughtless state whenever you want, wherever you want. करना क्या है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, सिंपल जाकर के बैठ करके देखता हूं मैं अभी अपने अंदर अंदर क्या बोल रहा हूं इस वक्त। आप प्रैक्टिकली ये करके देखो मेरे साथ में, एक बार आप अपने अंदर बोलो कि अपने आप को कि देखता हूं कि मैं अपने अंदर अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं। करो ऑब्जर्व, बताओ मुझे क्या बोल रहे हो आप। Sir, I am saying that मेरे खुद को मैं कुछ तो भी बोल रहा हूँ, and that's I'm hearing back. Exactly. जैसे मैंने आपको ये बोला, तो आप थोड़ी देर के लिए thoughtless state में चले गए, फिर आप अपने आप को बोलने लग गए कि देखता हूँ मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ। मतलब actually में आप अपने आप को अभी और कुछ नहीं बोल रहे हो। कुछ नहीं बोल रहे हो। Yeah, exactly. Yes. ये एक तरह का मंत्र भी बन सकता है। यानी आपने क्या बोला अपने आप को, देखता हूँ मैं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ। कुछ नहीं है, इट्स ब्लैंक। दिस इज रियल थॉटलेस स्टेट। आप समझ गए? फिर थोड़ी देर में फिर आपने दोबारा से अपने आप से पूछा, देखता हूं मैं अपने अंदर अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं। अच्छा ये तो मैं बोल ही रहा हूं, इसके अलावा क्या बोल रहा हूं। जैसे अगर आप बहुत परेशान हो कोई रिलेशनशिप को लेकर के, तो बार बार आपके माइंड में आप बोलोगे पहले, फिर फीलिंग्स और इमोशंस ट्रिगर होंगे, फिर एंजाइटी और स्ट्रेस ट्रिगर होगा। अगर बोलो ही ना तो नहीं होगा। इस स्टेट में क्या होता है, हमारी ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होती है, सेंसेस पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, और ब्रेन अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे होती है। जैसे कि कोई कंप्यूटर है, कोई सिस्टम है, वो ऑन तो है लेकिन उसमें कुछ भी रन नहीं हो रहा है, उसमें 100% फ्री स्पेस है। आप ही की टेक्निकल टर्म्स में बताता हूँ उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन भी 0% है, रैम यूटिलाइजेशन भी 0% है। मतलब अब अगर इस सिचुएशन में आपने कोई कमांड दिया तो इमीडिएटली इंस्टेंटली आंसर निकल करके आएगा। लेकिन अगर वो कंप्यूटर पहले से ही अपने 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, 90%, 99% या 100% पे, अब आप कोई क्वेरी फायर करोगे या कोई कमांड दोगे तो वो हैंग हो जाएगा, वो अटक जाएगा। ऐसे ही लोगों का माइंड अटक जाता है। आंसर ही नहीं निकलता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है, हम वहीं पे फंस जाते हैं, आगे समझ ही नहीं आता है हम क्या करें। क्यों? क्योंकि माइंड कभी फ्री होता ही नहीं है। माइंड में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हजारों प्रोसेसेस चल रही हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि फ्री स्पेस किसे बोलते हैं। जब आप आराम से कहीं पर बैठे हो, मान लो किसी पार्क में बैठे हो और जो बर्ड्स हैं उनकी आवाजें सुन रहे हो। जब आपने बोला कि देखता हूं मैं अपने आप को अंदर अंदर क्या बोल रहा हूं, तो पहले तो माइंड ब्लैंक हो गया, फिर जो होगा वो सुनाई दे जाएगा, जो होगा वो दिखाई दे जाएगा, जो भी कुछ हो रहा होगा वो सेंसेशंस फील हो जाएंगी। ठंड होगी तो ठंड लगने लग जाएगी, गर्मी होगी तो गर्मी लगने लग जाएगी। जब ये करना शुरू करोगे ना, अब जो मैं आपको कह रहा हूँ, यू विल फील एज इफ कि कोई प्रेशर है वो एकदम से रिलीज हो गया है, कोई एनर्जी है वो एकदम से रिलीज हो गई है। हाँ बताइए सर, मैंने ये आपकी वीडियोस आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स, तो मैंने ये एक दो बार ट्राई किया है, बट मैं सर कुछ मिनट में ही बोर हो जाता हूँ। ये बोरिंग लगेगा क्योंकि अब इसमें कुछ और है नहीं ना करने को। आपने जब ये बोला और थॉटलेस स्टेट में चले गए, अब बर्ड्स को कितनी देर तक देखते रहोगे? ये सब हवा और ये सब जो भी पहाड़ है और ये है रिवर है, ये सब का क्या है? ये सब तो है ही, और जो होता है उसके लिए तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस होती ही नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंस किसकी होती है? जो हमारे पास में नहीं है। हर एक के माइंड में इंपॉर्टेंस किसकी होती है? जो नहीं है। ये मेरे पास में होगा आने वाले इतने टाइम बाद ये वो। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का एक नेक्स्ट लेवल भी है, वो क्या है? Who am I? जब माइंड ब्लैंक हो गया तो अब अपने आप से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो, जिस क्वेश्चन से और इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ है ही नहीं। वो क्या है? Who am I? Okay. ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कभी खत्म भी नहीं होगा। नहीं होगा खत्म, ऐसा मत बोलो कि कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, जब आप इसकी रूट तक पहुंच जाओगे और जा करके देखोगे कि अच्छा दिस इज हु आई एम, तब वहां पर आपको ये सेपरेट मैं कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यानी अभी आप क्या समझ रहे हो कि आप वहां बैठे हो यूएस में, मैं यहां पर इंडिया में हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। जबकि जैसे जैसे आप इसको बारीकी से ऑब्जर्व करते चले जाओगे तो ये सेपरेशन जो है थॉट के लेवल पे, ये खत्म होता हुआ दिखेगा आपको। Actually, I saw महाभारत, उसमें कृष्णा बोलता है मैं ही ये हूँ, मैं हूँ वो हूँ, मैं ही सब हूँ, तो तभी थोड़ा मुझे वो थॉट आया था। Right. ये थॉट आना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब वो कैसे है? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस तरह से जब आप देखने लग जाते हो तो आपकी जो नजर है वो और पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाती है। अब एक्चुअल में एक नई लाइफ की शुरुआत होती है, which is not virtual, which is real. Real life. ये बातें सुनने में बड़ी अजीब लग रही होंगी, because ये हमारी normal thought process से बिल्कुल अलग है। अलग है, but ये सुनने में भी अच्छी लगती है। हाँ, सुनने में अच्छी लगती है तो सोचो जब आप एक्चुअल में देख लोगे। अभी तो आप मेरे से सिर्फ सुन रहे हो, but for me it is a living experience in my day-to-day life. When I'm looking at my wife, I'm not looking at her as my wife. I look at her as my better half. आप समझ रहे हो? Not in theory. ज्यादातर लोग इन बातों को कैसे देखते हैं, कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया, हाँ she is my better half ये वो, और अकेले में उससे लड़ रहे हैं। समझ गए? अलग ही कहानियां चल रही होती है, दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर की कहानी कुछ और है। But when I look at her as someone who is me. तो जब इस तरह से हम देखने लग जाते हैं तो एक्चुअल में जिंदगी शुरू होती है, नहीं तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, या तो बाहर या अंदर। इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट से अगर आपको फ्री होना है तो उसका एक ही रास्ता है, दैट इज लव। वो वाला लव नहीं जो मूवीज में हमने देखा है। लव मींस टू यूनाइट, टू कनेक्ट विद एवरीवन एंड एवरीथिंग। हाँ, उसकी जो शुरुआत होगी वो यहां से होगी जिसकी आज हमने बात करी है। मतलब आप इनिशियल स्टेजेस पे क्या करोगे, आप बेसिक लेवल पे अपनी ब्रेथ पे ध्यान लाओगे, थोड़ा सा उल्टी काउंटिंग कर सकते हो, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके ब्रेथ की उल्टी काउंटिंग, तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, देखता हूं मैं अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं। तो जैसे ये पूछोगे बोलना बंद हो जाएगा। फिर उस स्टेट में जब आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक है, थॉटलेस स्टेट में है, तब अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज हु एम आई। फिर उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आएगा, बट उस क्वेश्चन की एक एक करके लेयर्स हटने लग जाएंगी। And that will stay with you forever. आपने कहा कि that will stay with you forever. अरे that is there with you. Because the reality is not far from you. you are far from the reality because you are lost in your virtual world. हाँ. Reality yes. आपसे अलग नहीं है, आप हाँ. उससे कट रहे हो अपने थॉट के लेवल पे. आपकी कॉन्शियसनेस किस पे टिकी है? रियलिटी पर ही तो टिकी है. तो इल्यूजन पे थोड़ी टिकी है. मतलब यू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द रियलिटी बट यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी एट द लेवल ऑफ योर थॉट. और इस तरह की क्वेश्चनिंग से क्या होगा कि इस थॉट से हट करके हम रियलिटी को देख लेंगे, फिर हम रियलिटी के पास आ जाएंगे. अभी थॉट के लेवल पे आप इल्यूजन्स में जी रहे हो, बस उस इल्यूजन से रियलिटी तक आने का नाम ही सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ रियलाइजेशन है. सर फिर उसकी सबकी सेल्फ रियलाइजेशन तो अलग अलग रहेगी, मतलब नहीं एक ही रहेगी, अलग हो ही नहीं सकती ना. जो अलग है वो रियलिटी नहीं है ना. रियलिटी के लेवल पर कुछ भी अलग नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है. आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, वो करके देखना. आप अपने घर में कोई टेबल पड़ी होगी, मान लो वुडन टेबल पड़ी है जो चारों तरफ से पैक्ड है ना, बस नीचे से खाली है. तो अब वो ऐसे पड़ी है तो आप उसको टेबल बोल रहे हो, सेंटर में पड़ी है तो सेंटर टेबल बोल रहे हो. आपने उसको उल्टा कर दिया, टर्न इट अपसाइड डाउन. अब आप क्या बोलोगे उसको? ये बॉक्स है. तो क्या वो बॉक्स है या वो टेबल है? तो रियलिटी को रियलाइज करने का मतलब क्या है कि ना वो बॉक्स है ना वो टेबल है, वो वुड है. वुडी को हम कभी टेबल बोल देते हैं, कभी बॉक्स बोल देते हैं. समझे? तो अलग अलग नहीं है ना, एक ही है. अब वो टेबल चाहे यूएस में हो चाहे इंडिया में हो, जो रियलाइजेशन है बेस्ड अपॉन रियलिटी वो तो सेम ही है ना. चाहे आप रियलाइज करो चाहे मैं रियलाइज करूं, सेम ही जगह पे पहुंचेंगे ना. कभी इसको टेबल बोल रहे हैं, कभी बॉक्स बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये वुड है. चाहे मैं इंडिया में बैठ करके इस सच को रियलाइज करूं, चाहे आप यूएस में बैठ करके इस सच को रियलाइज करो, हम दोनों एक ही जगह पे पहुंचे ना, वुड पे ही पहुंचे ना. करेक्ट, क्योंकि रियलिटी तो एक ही है ना. रियलिटी के बेस पर जो भी रियलाइजेशंस होते हैं वो सेम ही होते हैं. मतलब हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि जहां पर पहुंचे और जिसके बेस पर उन्होंने कुछ बोला, तो चाहे आज मैं वहां पर पहुंचूं चाहे आप वहां पर पहुंचो, जो रियलाइजेशन है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस एट ऑल. जो उन्होंने रियलाइज किया हजारों साल पहले वही मैंने किया, वही आप कर रहे हो, वही कोई और करेगा फ्यूचर में. इट कांट बी डिफरेंट. फंडामेंटल्स विल बी द सेम. Exactly. Fundamentally, everything is the same.